चलो जी भैया आराम से चलना। चलो मिलता हूँ बहुत जल्दी। भाई पूरे दो दिन बाद फिर से आज घर से निकल रहा हूँ बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहे थे इंदौर से आने के बाद। और इन दो दिनों में भी बहुत कुछ हुआ, आप लोग अब तक देख चुके होंगे। डे वन, डे टू, डे थ्री, आज डे फोर है अपना। और ये रास्ता जाता है अहमदाबाद से आगे की तरफ, राजकोट की तरफ, देखते क्या होता है। ठीक है चलो, हर हर महादेव। तो आज भाई GoPro ने धोखा दे दिया है, तब भी अच्छे धोखा दिया है, मतलब चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पता नहीं उसकी सेकंड बैटरी भी कहाँ रख दी, वो भी नहीं मिल रही है। पता नहीं फ़ोन लेके करेंगे अब जो भी करेंगे, फ़ोन में स्टोरेज का भी इशू है और थोड़ा सा रिस्की भी है। बाकी देखते क्या करते महादेव आज। चलो चलते हैं। मैं 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर रहा हूँ बाई लिफ्ट, तो मेरा केदारनाथ कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार मैं जा रहा हूँ नागेश्वर और सोमनाथ, और अभी मैं इंदौर से आ रहा हूँ। तो दो दिन अपना फ्रेंड का घर था यहाँ पर, वहाँ स्टे किया और आज फिर से निकल रहा हूँ ताकि जन्माष्टमी द्वारका में मना सकूँ। हाँ भीड़ तो काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, ठीक है देखते हैं। राजकोट से द्वारका निकल जाना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। यकीन नहीं था फर्स्ट लिफ्ट इतनी जल्दी मिलेगी, विद इन 5 मिनट में मिल गई। ये सर थोड़े से दूर खड़े थे और फिर इन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो। काफ़ी अच्छा लगा यार, मतलब सुबह सुबह इतनी अच्छी स्टार्ट हुई। थैंक गॉड, भगवान, भोलेनाथ ऐसी शक्ति दो, एनर्जी दो। वहीं जन्माष्टमी और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करूंगा, उसके बाद सोमनाथ। ये भाई साहब मिले जो कि अब अपने को नाश्ता करवा रहे हैं, उसके बाद आगे की तरफ छोड़ देंगे। देख लो गुजरात में भी अच्छे लोग हैं, मतलब। तो अभी पराठा, अचार, दही अहमदाबाद में मिला है भैया की तरफ से। सर अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो ये काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे उनका अकाउंट मैनेज करते हैं। तो जा रहे थे, मेरा बोर्ड देखा बैग पे और रुक गए, तो आगे तक काफ़ी छोड़ देंगे। और नाश्ता भी भाई भैया की तरफ से आज। चलो अब नाश्ता करेंगे और आगे की तरफ निकलेंगे, देखते क्या होता है आज। थैंक यू भैया, थैंक यू। मेरा नंबर लेना तो मेरा कुछ काम हो तो। नहीं वैसे तो अहमदाबाद में है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना, फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर मिलूँगा। हाँ जी चलिए सर, बाय बाय। ठीक है तो अहमदाबाद के रास्ते से राजकोट जाने के लिए अपन लिफ्ट मांग रहे हैं रास्ते पे, देखते कौन सी गाड़ी रुकती है। जय हो भोलेनाथ। लिफ्ट मतलब 2 मिनट नहीं हुए और भैया रुक गए। मतलब आप वीडियोस वगैरह देखा करते हो यूट्यूब पे, मतलब ऐसा लगा। यूट्यूब वीडियो मुझे नहीं करता। तो फिर कैसे पहचान लिया? नहीं पहचाना नहीं मैंने। नहीं नहीं मैं पहचान लिया, मैं गाड़ी रोक दी अपने। अच्छा लिफ्ट देता हूँ। ये ऐसे भी बहुत कम लोग मिलते हैं। बहुत ही धूप हो रही थी और फिर भाई ने अपने आप गाड़ी रोक दी और बोलते चलो। वो हमेशा आगे रह के लिफ्ट देते यार, ऐसे भी बहुत कम लोग रहते जो आगे रह के गाड़ी रोकते हैं आपके लिए और फिर आपको लिफ्ट देते हैं। मतलब ऐसा पुश मिला है ना, 100-150 किलोमीटर की भाई लिफ्ट दे रहे हैं। भाई साहब मिले हैं जो कि अहमदाबाद से अपने को राजकोट ले जा रहे हैं बाइक पे 140 किलोमीटर। तो बैठे बैठे ना हालत ख़राब हो गई है, पीठ कमर दर्द अभी से शुरू हो गया है। पता नहीं कैसे पहुँचेंगे राजकोट और कैसे पहुँचेंगे आगे। अभी ऐसी ज़मीन पर बैठा हूँ और ये जो पीछे देख रहा हूँ यहाँ पानी पीने के लिए टंकी और बैठने के लिए काफ़ी अच्छी सीट है। मतलब ये चीज़ अच्छी लगी है अहमदाबाद में, गुजरात में। बाकी मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, थक गया हूँ यार बहुत।
देखते क्या होता है। बाइक पे बैठे बैठे 50 किलोमीटर बाद ही कमर बहुत ज़्यादा दुखने लगी, तो मैं ज़मीन पे ही लेट गया और फिर मैंने कुछ दिन आराम किया और फिर बाइक पे बैठा तो मेरे को झपकी आने लगी। भाई बोलते हैं मेरे को पकड़ के बैठ जाओ नहीं तो गिर जाओगे आप। कुछ देर चलने के बाद चोटीला माता की पहाड़ी दिखी। जाने का मन तो बहुत था पर जा नहीं सकता ना, क्योंकि मंजिल कुछ और है। नहीं कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं, कुछ भी भाई। बढ़िया भाई मिल गया, जब बोल रहा जहाँ बोल रहा रोक दे रहा है, तो बहुत कमर दुख रही है। ये रख दिया बैग, अब थोड़ा सा लेटेंगे यहाँ। भाई कोल्ड ड्रिंक लाने गए, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत हालत ख़राब हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बार बार बोल रहा है कमर दुख रही है। आप एक बार ट्राई करके देखना कि 25 किलो का बैग लेके आप कुछ देर चल के देखो तो आपको पता चलेगा। और फिर गुजरात में भी कई जगह सड़कें ऐसी बन रही थी और जहाँ जब झटके लगते हैं ना भाई, इतना कमर दुखता है ना, इतना शोल्डर पे पेन होता है ना कि बता नहीं सकता। 200 किलोमीटर की लिफ्ट दी है भाई ने बोला है चेहरा मत दिखाना, मेरे को नज़र लग जाती है। मम्मी ने बोला है कि चेहरा वगैरह नहीं दिखाना। 200 किलोमीटर इस पेशेंट प्रो पे आए अभी अपन अहमदाबाद से राजकोट तक। बढ़िया सेफ ले आया भाई। जय हिंद जय हिंद। जोश बढ़ा दिया तुमने। चलो भाई आराम से जाना। अब तो टेंशन, अभी भाई को बस 30 किलोमीटर जाना है गोंडाल। चलो चलो मैं भी पूछता हूँ, लगाता हूँ फोन। चलो भाई बाय बाय। नुकसान हो गया एक, ये यहाँ पे जो पोस्टर लगा था मेरे बैग के पीछे टूट के गिर गया कहीं। अब एक ही पोस्टर बचा है मेरे पास, अब समझ नहीं आ रहा है इसको हाथ में रखूँ या बैग पे लगाऊँ। दोपहर की 4 बज चुकी है और अभी राजकोट में हूँ, देखते क्या करना है। कि पीछे वाला पोस्टर निकल गया तो अब बहुत दिक्कत आ रही है, पीछे से कोई देख नहीं पा रहा है कि मैं क्यों चल रहा हूँ। और हाथ वाला बोर्ड है तो कब तक दिखाता रहूँ। जूते पूरे गर्म हो चुके हैं इतने कि मैं बता नहीं सकता, बहुत धूप है यार। राजकोट तक तो आ गए हैं, बाकी आगे का देखते हैं, महादेव संभाल लेंगे सब। कहीं प्रिंट आउट मिलेगा तो नया प्रिंट करवाएंगे अब वापस। काम की बात, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, तुम काम क्या करते हो? अब मैं राजकोट शहर के अंदर आ चुका था और शहर के अंदर आते ही सबसे पहले टेंशन ये होती है कि अब शहर से बाहर कैसे निकले और कौन लिफ्ट। चलिए सर, थैंक यू आपने यहाँ तक छोड़ दिया। यहाँ से सीधे जाऊँगा तो द्वारका, ठीक है। माधवपुर चौकड़ी, माधवपुर चौकड़ी, ठीक है। शरबत बन रहा है अपने लिए, नींबू पानी भैया शरबत पिला रहे हैं। भैया ने बोला तुमको जामनगर तक छोड़ के आएंगे हम। मैं जब जब भी परेशान होता हूँ और भोलेनाथ को बोलता हूँ कि भोलेनाथ आप तो कुछ करवाओ, फिर मिले ये दोनों भाई। दोनों भाई ने बढ़िया जूस पिलाया, काफ़ी सारी बातचीत करी। फिर भाई ने बोला मैं तुमको पूरा जामनगर तक पहुँचा के रहूँगा। फिर ये गए एक वैन वाले के पास जो कि राजकोट से जामनगर जो पैसेंजर अप डाउन करते हैं उनके लिए वैन चलती है वहाँ पर। उनसे उन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे भाई सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो वैन वाले ने भी बोल दिया अरे पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं, आप चलो हमारे साथ। अब आप लोग ही देख लो कि मैं इस तरह की यात्रा में निकला हूँ। चैलेंजेस तो आते हैं, परेशानियाँ तो आती है, पर भोलेनाथ किसी न किसी को भेज देते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती, फिर भी रवि भाई से ऐसी एक दोस्ती हो गई कि उन्होंने मेरे लिए इतनी हेल्प करी और उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठवा दिया। वैसे पैसे वैसे की देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ड्राइवर भाई साहब भी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे।
तो अपन पहुंच गए जामनगर और ये वाला रास्ता जाता है द्वारका बाईपास, मतलब ये अंदर शहर में चले जाएगा जामनगर और ये द्वारका के लिए। तो अभी देखते हैं, अपने को लिफ्ट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे अपन स्टे कर लेंगे। खाने पीने की दुकानें भी आसपास ही है क्योंकि शाम हो चुकी है और अब लिफ्ट मांगना उतना भी सेफ नहीं है। बाकी देखिए, बस द्वारका यहाँ से 130 किलोमीटर है और 5 भी बज रही है शाम की, देखते लिफ्ट मिलती कि नहीं, पहुँचते कि नहीं आज द्वारका जी के पास, हमारे द्वारकाधीश के पास। कोई ट्रक व्रक रुक जाए तो मज़ा आ जाएगा। गुजरात में यार टू व्हीलर वाले तो लिफ्ट दे देते, ये फोर व्हीलर वाले लिफ्ट नहीं देते। तो मस्त आ रहा है बरा, लिफ्ट देते भी नहीं और लेते भी ऐसा होता है। ये नंबर क्या है कि अगर आप अपना एटीट्यूड दिखाओगे, गंदा वाला एटीट्यूड दिखाओगे तो बुरा होगा। मेरे को बताया, आपने प्रेम से बोल दिया अरे यार सॉरी मैं यहाँ पे नया हूँ, तो वो आपको घर तक छोड़ के जाएगा। ये भी सर मिले हैं, ये स्कूल टीचर है और बढ़िया लिफ्ट दे रहे हैं अपने को, अभी चाय भी पिला रहे हैं। सर ने ज़्यादा दूर नहीं छोड़ा, 10-15 किलोमीटर की लिफ्ट दी, बट नाश्ता वगैरह करवा दिया। और टीचर डे था तो बता रहे थे आज उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है पूरी तहसील में, मतलब काफ़ी सारी बातें, अच्छा लगा। और अभी अपने को और आगे जाना है, देखते क्या होता है। गुजरात पुलिस जो कि मेरे लिए अब गाड़ी रुकवा रहे द्वारका के लिए, शाम हो गई है ना, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे कहने से जरूर रुक जाएगी, तुम्हारे कहने से नहीं रुकने वाली, बाकी देखते क्या होता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पर इनसे भी कोई गाड़ी नहीं रुक रही है, पर तो उधर कोई ट्रक जाते नहीं द्वारका तक क्योंकि वो एकदम कॉर्नर में हो जाता है, इसलिए तो शाम भी हो गई ना, देखते क्या होता है। एक और गाड़ी रुकवा दी सर ने, कर लिया पर वहाँ के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। जो भी जा रही है फैमिली वाली गाड़ी है और दूसरे जो ट्रक है वो 30 किलोमीटर तक ही जा रहा है क्योंकि रिलायंस की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर जामनगर में, तो वहीं तक ही सारे ट्रक जा रहे हैं, ट्रक उन भी आगे नहीं जा रहे। तो अब डिसाइड यही हुआ है कि यहाँ पुलिस चौकी है, यहाँ रुक जाओ या तो जस्ट इसके पीछे मंदिर है वहाँ रुक जाओ। तो अभी देखते दोनों जगह में से कहाँ रुकते हैं। बैग यहाँ रख दिया है अपन ने, थक गया हूँ यार बहुत। पुलिस वाले भाई साहब तो नहीं कर पाए गाड़ी का अरेंज, तो ये पोलो से हम आ गए द्वारका बाईपास तक, मतलब जामनगर पूरा क्रॉस कर दिया है। अब ठहरने के लिए मेरे पास ऑप्शन है पेट्रोल पंप, क्योंकि मंदिर गया था तो पुजारी जी ने बोला यहाँ 5-5 सांप हैं जिसमें से एक कोबरा सांप भी है, तो यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है, आप और भी जगह ढूंढ लो। तो हमने जगह ढूंढी है पेट्रोल पंप, बाकी देखते हैं ये क्या बोलते हैं। तो भैया से बात करी, भैया ने बोला है पूरे पेट्रोल पंप पे आपको जहाँ भी सेफ जगह लग रही है आप रुक जाओ, या तो हमारे पास ये खटिया है, खटिया पे बढ़िया आप सो, और टॉयलेट भी है यहाँ, पानी पीने की व्यवस्था भी है, बढ़िया क्लीन है सब कुछ,
और रोड भी चालू है, रात भर लाइट भी चालू रही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बढ़िया आप सो, मज़ा आ गया यार कसम से। तो आज रात को यहीं सोएंगे, आज का दिन बढ़िया बढ़िया ही गया। मतलब सुबह अहमदाबाद से निकला तो मेरे को यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और फिर पवन भाई मिले जिन्होंने 200 किलोमीटर की लिफ्ट दी अपने को बाइक पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बैक पेन होने लग गया था, कमर दुख रही थी, पर हर आधे एक घंटे में रुक रहा था मैं, तो मैंने उनको काफ़ी लेट कर दिया। और पुलिस वाले भाई साहब ने भी बहुत हेल्प करी, टीचर जो टीचर जी मिले थे उन्होंने नाश्ता वगैरह करवा दिया। बढ़िया ओवरऑल अच्छा दिन गया भोलेनाथ की कृपा से, और अभी रात भी अच्छी जा रही है, देखो कितनी अच्छी जगह खटिया मिला है, नींद भी अच्छी आएगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, मौसम बढ़िया है। बस और कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए चैलेंज के साथ, बाय बाय, हर महादेव।